जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा की अध्यक्षता में कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि फ्लैग मार्च के दौरान लोगों से बात की गई है कि सभी लोग शांति बनाए रखें, कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। वहीं एसएसपी विपिन ताडा ने बताया कि जिलाधिकारी के साथ में फ्लैग मार्च किया गया है और क्षेत्र में सभी लोगों से वार्ता की गई है। लोगों ने बताया कि कल जुमे की नमाज में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। अगर कोई अराजक तत्व माहौल खराब करने की किसी प्रकार के प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, कल का दिन सकुशल संपन्न होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा और जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, अरे यार यार क्या है नाम के लोग सब पीछे कर गया प्रेमो का बात हो गया। कहाँ गए लोग पीछे कर रहे हैं? अब किधर गाड़ी किधर है भाई? जरा अस्पताल जाना है। जीतू है पीछे, जीतू पीछे 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 कैमरा आता जी।
इसमें हमने आज फ्लैग मार्च किया है, मैंने और जिलाधिकारी महोदय ने फोर्स के साथ में, मजिस्ट्रेट्स के साथ में, और क्षेत्र में सभी लोगों से वार्ता की गई और सभी लोग बड़े अच्छे से बताए हैं कि कल के दिन में कोई समस्या नहीं आएगी, कोई बंद नहीं होगा, किसी प्रकार कोई अगर अराजक तत्व कोई आने का प्रयास भी करेगा गड़बड़ फैलाने का तो उसको लोगों के द्वारा रोका जाएगा और कोई दिक्कत आएगी नहीं। पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी और लगातार सब भ्रमण पर रहेंगे। कल का दिन सकुशल स्थिति बहुत पॉजिटिव है, हम लोगों ने कुछ लोगों से बात भी की, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है लोगों का और सभी शांति ही चाहते हैं एंड सभी अच्छे से अपना जो भी है रूटीन काम हो करके अपना निकलना चाहते हैं। हम लोग तो बस एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में आए हैं, अगर किसी को कोई समस्या हो तो बताएं, ऐसा कुछ समस्या निकल के नहीं। थैंक यू।